नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यू में। यूपी में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए सभी पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। दिल्ली में कल सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और जेपी नड्डा की एक बैठक हुई थी। हालांकि बैठक में क्या चर्चा हुई इस बारे में औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों की माने तो बैठक में चुनावी रणनीति की रूपरेखा को लेकर चर्चा हुई थी और साथ ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद में खाली 4 सीटों पर उम्मीदवारों के बारे में भी चर्चा की गई। इससे पहले जून महीने के मध्य में योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली का दौरा किया था और उस दौरान उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। और ऐसे में मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा ऐसे समय में हुआ है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र निर्धारित समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले विधानसभा में 2021-22 के लिए 7 करोड़ से रुपए से ज्यादा का अनुरूपक बजट भी ध्वनिमत से पारित हुआ। ज्ञात हो कि बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब जोर शोर से जुट गई है और इसीलिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उत्तर प्रदेश से शामिल सदस्यों ने 16 अगस्त से कई क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा भी शुरू कर दी है। साल 2017 विधानसभा चुनाव और साल 2019 में लोकसभा चुनाव की तर्ज पर बीजेपी 2022 की चुनावी जंग फतह करने के लिए विस्तारकों का भी सहारा लेगी। ऐसे में सूबे के हर एक विधानसभा सीट पर बीजेपी विस्तारकों की नियुक्ति और साथियों ने प्रशिक्षित करने के लिए भी पाठशाला भी शुरू कर रही है। ये विस्तारक विधानसभा क्षेत्रों में रहकर न सिर्फ चुनावी थाल लेंगे बल्कि सियासी जमीन तैयार करने के लिए प्रबंधन में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी ने सूबे की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए एक एक विस्तारक तैनात भी कर रही है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं से विस्तारकों का चयन कर लिया गया है और अब उन्हें मंडल स्तर पर संगठन महामंत्री सुनील बंसल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशिक्षण देने का काम भी शुरू कर रहे हैं। हालांकि ऐसे में गोरखपुर क्षेत्र से 10 जिलों के 62 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 70 विस्तारक नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र की संख्या के अतिरिक्त 8 विस्तारक पार्टी के निर्देश के पालन के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। कड़े मुकाबले वाली विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला देखकर एक से ज्यादा विस्तारकों को भी लगाने की ही पार्टी की योजना है। ऐसे में काशी क्षेत्र के अंतर्गत के जिलों में 71 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विस्तारकों का चयन कर लिया गया है। वहीं पश्चिमी यूपी की बात करें तो वहां पर मुरादाबाद, सहारनपुर और मेरठ मंडल मुख्य हैं और इन तीनों ही मंडल में विधानसभा की 70 सीटें हैं जिसके लिए करीब 74 विस्तारक नियुक्त किए गए हैं। ऐसे ही बरेली मंडल के बदायूं जिले की भी एक सीट पश्चिमी क्षेत्र में ही मानकर और इसे मिलाकर सीटें 71 होती हैं, जिन पर नजर रखने के लिए बीजेपी ने 75 विस्तारक नियुक्त किए हैं। इनमें से वर्तमान में बीजेपी के पास 52 सीटें हैं और इसी तरह से सभी विधानसभा सीटों पर विस्तारक की नियुक्ति का काम बीजेपी तेजी से करते हुए जुट गई है। हालांकि पिछले लंबे समय से यूपी में जो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही थी अब उस पर भी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर तकरीबन 3.5 घंटे उत्तर प्रदेश को लेकर मंथन चला। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल शामिल हुए। विधानसभा चुनावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत पर जोर देती नजर आ रही है। चर्चा में क्षेत्रीय, सामाजिक और जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए 5 से 7 मंत्री बनाए जाने की जरूरत जताई गई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अगले 3 दिनों में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी और फिर आखिरी मोहर के लिए केंद्र की सहमति ली जाएगी, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय कर दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश में अगले 15 दिनों के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रक्षाबंधन के बाद लखनऊ में सरकार और संगठन की बैठक होगी, जिसमें मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए संभावित मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसमें 5 से 7 नए मंत्री बनाए जाने की संभावना है। बता दें, फिलहाल योगी मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 54 है। इनमें 23 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 22 राज्य मंत्री शामिल हैं। नियमों के मुताबिक कैबिनेट में अभी भी 6 मंत्री पद खाली हैं। ऐसे में योगी सूत्रों का दावा है कि विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इसमें OBC ब्राह्मण के साथ ही अन्य जातियों को साधने की भी कोशिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 19 मार्च 2017 को सरकार गठन के बाद योगी सरकार ने 22 अगस्त 2019 को मंत्रिमंडल विस्तार किया था। उस दौरान उनके मंत्रिमंडल में 56 सदस्य थे और कोरोना के चलते 3 मंत्रियों का निधन हो चुका है। हाल ही में राज्य मंत्री विजय कुमार कश्यप की मौत हो गई थी, जबकि कोरोना की पहली लहर में मंत्री चेतन चौहान और मंत्री कमल रानी वरुण का निधन हो गया था। पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 6 स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को कैबिनेट की शपथ दिलाई गई। इसमें 3 नए चेहरे भी शामिल थे। 23 अगस्त को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा उत्तर प्रदेश में BJP कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान नड्डा प्रदेश भर की 2700 सेक्टर में बूथ प्रमुख और सेक्टर प्रमुखों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी के निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा BJP 25 सितंबर से पन्ना प्रमुख सम्मेलन की शुरुआत करेगी। इन सम्मेलनों के जरिए BJP अपने सबसे निचले कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर पूरी तरह से सक्रिय करेगी। आने वाले कुछ महीनों के लिए कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए योजनाएं, सम्मेलन और बड़े नेताओं के कार्यक्रम मोटा खाका भी खींचा गया है। अगले 2 से 3 दिनों में फिर से संगठन की लखनऊ में बैठकें होंगी, जिसमें अगले 3 महीने के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इसमें तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कम से कम 2 कार्यक्रम हर महीने प्रदेश में हो, गृह मंत्री अमित शाह के भी प्रदेश में दौरे और कार्यक्रम की रूपरेखा इन बैठकों में तैयार की जाएगी। कोशिश होगी कि गृह मंत्री अमित शाह के कम से कम 2 से 3 कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। हालांकि पिछले दिनों भी यूपी की सियासत को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चला था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद यूपी में भी सियासी उथल पुथल की अटकलें लगाई जाने लगी थी। सीएम कैंडिडेट को लेकर भी एक समय संशय की स्थिति बन गई थी। ऐसे में सत्ताधारी दल BJP का दावा है कि इस बार वो 300 से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार दोबारा से बना लेगी और इस दावे को हकीकत में बदलने के लिए BJP खास रणनीति पर भी काम कर रही है। दरअसल BJP का फोकस 60 से ज्यादा उन सीटों पर है जहां पार्टी आज तक कभी भी विधानसभा का चुनाव ही नहीं जीती है। इन सभी पद पर पार्टी ने जीत की जिम्मेदारी अपने MLC, राज्यसभा सांसदों, बोर्ड और निगम के अध्यक्षों और पार्टी के पद अधिकारियों को सौंपी है। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार का मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार ये 1 महीने पहले होना था, लेकिन किन्हीं वजहों से ये टल गया है और इस समय मंत्रिमंडल विस्तार चुनाव से ऐन पहले केवल सिंबॉलिक मंत्रिमंडल का विस्तार है। इसमें किन जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना है, जिन नए दलों से गठजोड़ होना है या जो दल थोड़े बहुत असंतुष्ट हैं उनके लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे जितिन प्रसाद हैं और संजय निषाद का भी नाम सुनने में आ रहा है और भी कई लोग हैं, तो ये केवल क्षेत्र का जो राजनीतिक संतुलन साधने की एक कोशिश भर है। बाकी इस समय मंत्रिमंडल अगर कोई मंत्री बन भी जाते हैं तो उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, ये भी सिर्फ चुनाव प्रचार और चुनावी जो समीकरण होते हैं उन्हें साधने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में BJP ने सहयोगियों के साथ मिलकर 325 सीटें जीती थी। हालांकि 80 सीटें ऐसी भी थी जहां ना BJP जीत पाई और ना ही उसके सहयोगी दल जीत पाए। BJP का फोकस अब इन्हीं सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी पर है।
और इसके लिए रणनीति भी बन रही है। पार्टी का पूरा फोकस है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर कब्जा किया जाए और इसके लिए पार्टी ने हर सीट पर अलग अलग प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। इन सीटों को जिताने की जिम्मेदारी पार्टी ने अपने विधान परिषद के सदस्यों और राज्यसभा सांसदों, निगम बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों को सौंपी गई है। ऐसे में हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और BL संतोष से दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की मुलाकात के बाद यूपी में अब कैबिनेट विस्तार की संभावना जाती जाने लगी है और ऐसे में MLC के 4 नाम भी सामने आ रहे हैं जो शामिल किए गए हैं और उन्हें फाइनल भी कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यपाल कोटे से मनोनीत होने वाले MLC के नामों पर भी गुरुवार शाम बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा की गई और उन्हें फाइनल कर लिया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही MLC मनोयन की प्रतिक्रिया भी रुकी है। चर्चा यही है कि नए MLC में से भी 1-2 को मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में बीजेपी हर तरह से समीकरण पर विचार कर रही है। इसके साथ ही 2022 के लिए सियासी समीकरण दुरुस्त करने के लिए निषाद समुदाय के आरक्षण की मांग का भी हल तलाशने में जुट गई है। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र स्थगित होते ही गुरुवार को CM योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे। यूपी के तीनों नेताओं ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की। सूत्रों की माने तो नड्डा और शाह के साथ हुई मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार और MLC बनाए जाने के लिए 4 नामों पर सहमति बन गई है और अब दिल्ली से लौटकर किसी भी दिन कैबिनेट विस्तार और MLC के नामों की घोषणा हो सकती है। MLC के लिए जिन 4 लोगों की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है उसमें निषाद पार्टी के संजय निषाद, जितन प्रसाद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और अति पिछड़ी जाति से 1 नाम हो सकता है। इस तरह बीजेपी यूपी में पिछड़ों और ब्राह्मणों को साधने की रणनीति अपना सकती है क्योंकि विपक्ष इन्हीं दोनों पर घिरने में जुटा हुआ है। नड्डा और शाह के साथ हुई बैठक में सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल या फिर स्वतंत्र सिंह ही नहीं बल्कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मीटिंग में थे। संजय निषाद MLC और मंत्री बनने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा संजय निषाद यूपी में महिला समुदाय के आरक्षण की मांग भी उठा रहे हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व की इस मुलाकात में निषाद समुदाय आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। केंद्र सरकार से राज्यों को मिले अधिकार के तहत प्रदेश की कुछ सामान्य वर्ग में शामिल जातियों को पिछड़ों में शामिल किया जा सकता है और 17 अति पिछड़ों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने प्रक्रिया पहले से संभावित है। ऐसे में योगी सरकार यूपी चुनाव से पहले निषादों के आरक्षण का दाव भी चल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। हालांकि यूपी में कई सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी कभी जीत दर्ज नहीं कर सकी। इनमें अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट, आजमगढ़ की निजामाबाद सीट, सीतापुर की सिंधौली सीट, रायबरेली की हरचंदरपुर सीट, लखनऊ की मोहनलालगंज सीट, रायबरेली की रायबरेली सदर सीट, कानपुर की सीमा मऊ सीट, आजमगढ़ की आजमगढ़ सदर सीट और प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट, इटावा की जसवंत नगर सीट, रायबरेली की ऊंचा हार सीट, जौनपुर की मलहनी सीट, आजमगढ़ की अतरौलिया सीट, आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट, आजमगढ़ की गोपालपुर सीट शामिल है। ऐसे में बीजेपी के आगे ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस बार इन सभी सीटों पर फोकस कैसे किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदलने के लिए अपने स्तर से फीडबैक भी ले रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से रायशुमारी के बाद भी लिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश नेतृत्व को राष्ट्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का ही इंतजार है जो अब मिल चुकी है और ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस से भी संगठन में फेरबदल कर चुनाव संचालन समिति की कमान हरीश रावत को सौंपती है और कांग्रेस संगठन में इस परिवर्तन से बीजेपी के नेताओं की चिंताएं और बढ़ने लगी हैं क्योंकि उत्तराखंड में भी इस समय सक्रिय नेताओं में हरीश रावत जैसा कद्दावर नेता न बीजेपी में है और न ही कांग्रेस में।
और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में इन दिनों ब्राह्मणों का महत्व भी अचानक से बढ़ गया है। दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव इसकी वजह है। सूबे में ब्राह्मण ही संख्या के मामले में दूसरी अग्रणी जातियों से ज्यादा है। ब्राह्मण नेता हालांकि अपनी जाति की जनसंख्या में हिस्सेदारी 12% होने का दावा करते हैं, पर 9-10% तो इनकी संख्या जरूर ही होगी। ऐसे में गोस्वामी, गिरी, गोसाई, महापंडित, उपाध्याय, पांचाल, बड़ई, ज्योति और पंडिया जैसी जातियां जो ओबीसी में हैं, पर दावा वो भी ब्राह्मण होने का ही करती हैं। परंपरागत रूप से सूबे के ब्राह्मण 1990 तक कांग्रेस का ठोस वोट बैंक माने जाते थे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 के चुनाव को फतह करने के लिए भाजपा के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की निर्देशन में उनके आवास पर एक बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक के अंदर बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक के अंदर आने वाले चुनाव को देखते हुए सामाजिक और कह सकते हैं धार्मिक दृष्टिकोण को देखते हुए 5 से 7 मंत्री बनाए जाने की बात कही गई है। हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार की बात साफ तौर पर निकल कर आ रही है, लेकिन जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि जेपी नड्डा को भी इस मीटिंग में लाया गया, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी इस मीटिंग में बुलाया गया और उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 के चुनाव को फतह करने के लिए अब सीधे तौर पर अमित शाह ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि लगातार अमित शाह इस पर नजर बनाए रखे हैं, जब जो जो चुनाव उनके निर्देशन में या उनके छत्रछाया में हुए हैं उन चुनावों पर भाजपा ने फतह हासिल की है, ज्यादातर तो यही निकल कर आया है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अमित शाह रणनीति बना रहे हैं तो जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए ये खतरे की घंटी से कम नहीं है। देखना यह भी होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से अमित शाह का जो ये तरीका है अपने स्तर से मीटिंग करना और लोगों को जो नेता है उनको बताना, उनको समझाना, आने वाले टाइम में कितनी मीटिंग्स करेंगे और उसमें क्या क्या रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि अब तक अगर देखा जा रहा है जो तमाम यात्राएं निकाली जा रही हैं अमित शाह के निर्देशन में तमाम यात्राएं निकल रही हैं और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनाव को फतह करने के लिए अमित शाह ने अपनी जो चाणक्य नीति है वो चलना शुरू कर दिया है। अपने सहयोगी बाबर के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ रोड इंडिया, वेस्ट। इस पार्टी ने सत्ता में भागीदारी भी ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा दी, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद ब्राह्मणों का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ता चला गया और केवल 2007 में मायावती ने इस वोट बैंक पे अपने सर्वजन हिताय के लिए फॉर्मूले से सतीश मिश्र के जरिए सेंध लगा दी थी। तब नकुल दुबे और रामवीर उपाध्याय जैसे नेता भी पार्टी में थे, लेकिन साल 2012 में ब्राह्मणों का ये वोट बैंक बिखर गया और कुछ सपा के हिस्से में भी चले गए और माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्र के अलावा कुछ और ब्राह्मण नेताओं को भी अखिलेश यादव ने अहम पद दिए थे। पर साल 2017 में सूबे के ब्राह्मण इस उम्मीद में बीजेपी के साथ लामबद्ध हो गए कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का पद देगी। तब लक्ष्मीकांत वाजपेयी पार्टी के सूबेदार थे। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री बन गए राजपूत योगी आदित्यनाथ। और पिछले साल विकास दुबे की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत के बाद बीजेपी के प्रति ब्राह्मणों का असंतोष बढ़ता चला गया। इसे पार्टी आलाकमान और संघ नेतृत्व दोनों ने ही महसूस भी किया। तभी तो जितिन प्रसाद को कांग्रेस से तोड़कर पार्टी में शामिल कर दिया गया है। वहीं बीजेपी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। देखिए, कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली बैठक में गए थे। हमारे पार्टी की पद्धति में है कि हम विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर बैठकें करते रहते हैं। उसी क्रम में दिल्ली में भी बैठक थी, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, MLC का मनोनयन हुआ, ये पार्टी की एक प्रक्रिया में है। हम विचार विमर्श करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं और ये तो मंत्रिमंडल विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेक पर है। जब पार्टी के निर्णयों में आएगा तो निश्चित रूप से विकार होगा।
मानसून सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार शाम दिल्ली पहुंच गए और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी पश्चिमी यूपी के जिलों का दौरा कर दिल्ली पहुंच गए थे। अमित शाह के निवास पर रात 8 बजे कल शुरू हुई इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और विधान परिषद सदस्यों के मनोज्ञन पर मंथन हुआ था। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सामाजिक समीकरण साधने के लिए कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर चर्चा हुई और सहमति भी बनी। ऐसे में विधान परिषद में 4 सदस्यों का मनोज्ञन भी किया जाना है। इनमें संजय निषाद, जितिन प्रसाद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित अन्य दावेदार भी कतार पे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने समीकरण और राजनीतिक गठजोड़ बनाने में जुटी हुई है। ऐसे में निषाद समाज की सियासी अहमियत को अच्छे से भाप चुकी बीजेपी इस अति पिछड़े वोट बैंक को भी किसी तरह अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी निषाद पार्टी को राजनीतिक महत्व देने जा रही है। तो संजय निषाद ने भी साल 2022 में सीएम योगी आदित्यनाथ को 2022 का सबसे मुफीद चेहरा बता दिया है। बीजेपी के पहले सहयोगी संजय निषाद हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने की पैरवी की है और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुरुवार को दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल के साथ हुई बैठक में निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद भी शामिल हुए थे। इस दौरान यूपी के कैबिनेट विस्तार से लेकर संजय निषाद के द्वारा निषाद समुदाय के द्वारा उठाई जाने वाली मांगों को पूरा करने पर भी चर्चा हुई थी। वहीं वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहारी और दूसरे निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों पर भी उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी को ही यूपी में निषाद समाज अहमियत देता है और ऐसे में संजय निषाद को अपना नेता भी वो मानता है। निषाद समुदाय को दूसरे अन्य संगठनों पर भरोसा नहीं है और ऐसे में निषाद समुदाय 2022 में बीजेपी की सरकार बनाएंगे और ऐसे में संजय निषाद ने बताया है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने गुरुवार को बैठक में पूछा कि कितनी सीटों पर क्या समीकरण समाज का है और कितनों पर लड़ना चाहेंगे। इसका जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा है और जल्द ही दोबारा बैठक कर इस मुद्दे को भी सुलझा दिया जाएगा। इसके अलावा इन्हें भरोसा है कि 2022 में उन्हें सम्मानजनक सीटें बीजेपी की तरफ से दी जाएंगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की शुक्रवार को हुई बैठक में शामिल कुछ नेताओं ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर तय होगा कि उत्तर प्रदेश में फेरबदल होना भी है या नहीं और बैठक में शामिल नेताओं का कहना है कि बीजेपी अक्सर चुनाव से पहले फेरबदल के प्रयोग भी करती है। जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल तक में फेरबदल किए गए, वो इस बात की तस्दीक है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बड़े और कड़े फैसले लेती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े फेरबदल की कोई भी गुंजाइश नहीं है लेकिन मंत्रिमंडल में थोड़े बहुत फेरबदल जरूर होंगे और इसकी जरूरत गुंजाइश बन सकती है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि एक सप्ताह के भीतर ही बात को तय कर लिया जाएगा कि क्या उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा या फिर नहीं। इसी के साथ 4 का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।